हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिमेश स्वागत करता हूं आपका चैनल साइंस माइंस पे। दोस्तों, रिसेंटली हमारी सोसाइटी के पास में कोरोना वायरस के केसेस, कोविड के केसेस पॉजिटिव मिले थे, जिसके कारण हमारी सोसाइटी में भी टेस्ट लिए गए। उसी में मेरा भी नेसल स्वैब टेस्ट हुआ और यही पूरी जर्नी मैं आपके सामने आज की वीडियो में लेके आऊँगा। तो चलिए देखते हैं। ये नेजल स्वैब टेस्ट था जिसमें नाक के द्वारा सैंपल लिए जा रहे थे। टेस्ट के रिजल्ट सिर्फ 15 मिनट में ही बता दिए जा रहे थे, जिससे मुझे ये अनुमान लगता है कि ये जनरली एंटीजन टेस्ट हो रहे होंगे। एंटीजन वो ऐसे बाहरी पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में अगर अंदर आ जाते हैं तो वो बीमारियों को पैदा करते हैं। इन एंटीजन से लड़ने के लिए हमारा शरीर एंटीबॉडीज को पैदा करता है और इसी लड़ाई के कारण हमारे शरीर में हमें बुखार या फिर सर्दी दिखती है। बीमारियों से लड़ने की हमारे शरीर की शक्ति को ही इम्यूनिटी कहा जाता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अपनी इम्यूनिटी पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और हमें ऐसी चीज़ें खाना चाहिए जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। तो चलिए देखते हैं पूरा स्वैब टेस्ट। पूरी टेस्टिंग के दौरान टीम पूरी तरीके से पीपीई किट में कवर्ड थी और समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज भी कर रहे थे। हर एक नए आदमी के लिए पूरी तरीके से नई किट का उपयोग किया जा रहा था। जिसका टेस्ट होने वाला था उसको प्रॉपरली चेयर पर बिठाया जा रहा था। और एक फ्लेक्सिबल स्टिक जिसमें कॉटन का स्वैब लगा हुआ था, नाक के जरिए अंदर डाला जा रहा था। दोस्तों, इसे दर्द तो नहीं कहेंगे, पर इसके कारण नाक में इरिटेशन जरूर होता है जो कुछ देर तक हमें महसूस होता है। इसके बाद इस स्वैब को एक लिक्विड में मिक्स कर दिया जाता है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स किया जाता है। फिर इसे टेस्टिंग किट पर डाल दिया जाता है। इस किट पर दो मार्क होते हैं, जिसपे एक डंडी आने पर निगेटिव होता है और अगर दो डंडी दिखती हैं, इसका मतलब आपका टेस्ट पॉजिटिव है और मेरा टेस्ट निगेटिव रहा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।